जो अभी आपने थंबनेल पे देखा है एकदम सही देखा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। ये मेरे पास पूरा का पूरा ये पीडीएफ नोट ही है, ठीक ना, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन लेकिन अभी मेरे पास केवल एमएससी फोर्थ सेमेस्टर और एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के ही स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ नोट पड़ा है, ठीक, तो मैं उसे प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अगर बात की जाए अदर जो फैकल्टी वाले हैं, जैसे कि एमए हो गए, एम कॉम हो गया, ये और अदर जो पीजी फैकल्टी वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, वो क्या करें, तो वो भी पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं। एक रास्ता है उनके लिए कि क्या करें कि सारे स्टूडेंट्स मिल करके क्या करें, पीडीएफ नोट्स तैयार करें, क्योंकि पढ़ना तो सबको है, पढ़ना आपको भी है ना, तो पढ़ना आपको भी है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको क्या करो, पीडीएफ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह लिखो, आगे लिख करके क्या करो, एक जगह पे शेयर कर दो। अब शेयर कैसे करना है, तो शेयर करने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें क्या कर सकते हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग टॉपिक पे, मतलब जिसका जिस टॉपिक पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाना है, वो भी पीडीएफ फॉर्म ही, नहीं तो आप फोटो भी भेज सकते हो, फोटो भी भेज दोगे, कोई भी जो भी जिसको लिखना है, जो चाहता है पढ़ना भैया, वो कॉपी कर लेगा, समझ लो इस बात को, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ही क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करो, तैयार करने के बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर दो, शेयर कर दो, साथ में मैं भी शेयर करता रहूँगा, और जितने भी हमारे भी जितने भी एमएससी फैकल्टी वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं वो भी इसी तरीके से काम कर, तो हमारे पास भरपूर मात्रा में क्या हो जाएगा, पीडीएफ नोट्स इकट्ठा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वो भी, और हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे और आगे एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकेंगे, सही बात है कि नहीं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, रियली कर सकते हैं, ठीक ना। सो अब ये अगर बात आती है कि व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, तो भैया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तुम्हें दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ पीडीएफ मैंने जो तैयार किया है, मैं 30-30 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, ठीक ना, और मैं आपसे शेयर करूंगा, तो उसका भी लिंक मैंने पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाओ और डाउनलोड करो, ठीक ना। बाकी हम लोग को पूरा का पूरा मिलकर एक काम करना है, और मेरी जितने भी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरे भी कुछ भाई बहन हैं जो कि क्या करते हैं कि मतलब कोई एमए कर रहा है और कुछ एमकॉम कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी ये ऑब्जेक्टिव वाला पीडीएफ नोट तैयार करो और आप भी इसी ग्रुप में शेयर करो, तो मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, आप भी हमें सपोर्ट करो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक ना, मैं भी ये एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो आप भी मेरे को सपोर्ट करो, जो भी नोट्स हैं आपके पास एमएससी से रिलेटेड इस ग्रुप में शेयर करो, ठीक ना, ताकि हमारा भी हेल्प हो सके, मैं भी शेयर करता रहूंगा, और भी जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक ना, सबको जोड़िए इसी ग्रुप में और सब लोग अपना शेयर करें। लेकिन उसके ऊपर जैसे कोई भी पीडीएफ बना रहे हो तो उसके ऊपर नाम लिख दो जोर कि इस पेपर नंबर इतना और ये जो किन के लिए है, एमए के लिए है, एमकॉम के लिए, किन के लिए है, ठीक ना, तो ये भी साथ साथ में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ उसमें शेयर करो, ताकि अदर जो बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, ठीक, तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं कुल मिलाकर के, मतलब ठीक ना। और हमारे पास लास्टली बहुत ज़्यादा इस एक महीने में, डेढ़ महीने में, जब भी मतलब एक दो महीने में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, प्रिपेयर भी अच्छा हो जाएगा यार, नॉलेज हमारा लेना काम है, सो नॉलेज के पीछे भागो, बाकी सब छोड़ दो यार, ठीक। एक बात और, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टोटल का टोटल जो इन्फॉर्मेशन है इसी चैनल पर मिलेगा आपको, और जो पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक ना, जो ऑब्जेक्टिव वाले जितने पीडीएफ नोट्स हैं उसका फुल टू फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन भी इसी चैनल पे आपको मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, ठीक, क्योंकि जब लाइक करते हो तो मुझे सुकून मिलता है, क्या मिलता है, सुकून मिलता है। सो आज के लिए बस इतना ही।